अभी तो झारखंड और जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सियासी गर्मी तो देश की राजधानी दिल्ली में पैदा हो गई है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली विधानसभा के पूर्व स्पीकर MS धीर आज BJP में शामिल हो गए। केजरीवाल को दूसरा झटका कभी उनकी ही पार्टी के विधायक रहे विनोद कुमार बिन्नी दे रहे हैं। बिन्नी का कहना है कि केजरीवाल के खिलाफ वो विधानसभा में चुनाव लड़ने वाले हैं। कहीं चुनावी झटका है तो कहीं जन्मदिन का जश्न है। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव 75 साल के हो गए हैं। उनके खासम खास आजम खान ने अपने गढ़ रामपुर में उनका जन्मदिन शानदार तरीके से मनाया, अपने नेताजी को बग्घी पर चढ़ाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज रात 12 बजे मुलायम के सम्मान में 75 फीट का केक कटेगा। समाजवाद का मुलायम चेहरा शनिवार को 75 साल का हो जाएगा। खुशियों के इस मौके को एक दिन पहले ही शानदार बना दिया गया, जब समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के मौके पर रामपुर को दुल्हन की तरह सजाया गया। प्रशंसकों ने जय जयकार के नारे लगाए, सड़कों पर नृत्य और संगीत चला। बाकायदा लंदन के विक्टोरिया के जमाने का विंटेज बग्घी तक मंगाया गया, लेकिन साम्राज्यवाद और राजशाही की बग्घी पर मुलायम नहीं बैठे। साधारण बग्घी पर अपने बेटे और यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ वो आगे बढ़े, पूरे 11 किलोमीटर तक जुलूस के साथ। रात में ठीक 12 बजे के आसपास केक काटा जाएगा। 75 फीट लंबा केक बताया जा रहा है। फिलहाल इसको क्लोजली गार्डेड सीक्रेट रखा गया है, अभी किसी को दिखाया नहीं गया है कि वो केक कैसा होगा। पार्टी के सबसे बड़े नेता की प्लैटिनम जुबली जो ठहरी, इसलिए IG साहब तैनात हुए, DIG साहब आए, 3-3 SP, 6 ASP, 27 डिप्टी SP, 30 इंस्पेक्टर, 1400 कांस्टेबल और PSC की 9 कंपनियां भिड़ाई गई। लेकिन पैसा कहां से आया, इस पर व्यंग भरा जवाब आया। भी उठ रहे हैं कि किस ये सेलिब्रेशन कहाँ की फंडिंग है, क्या स्टेट फंड्स यूज किए जा रहे हैं, इस सारी फंडिंग के पीछे क्या है? तालिबानी फंड, तालिबान से आया है कुछ, दाऊद ने दिया है कुछ, अबू सलेम ने दिया है कुछ, वो जो मर गए आतंकवादी थे। नहीं सर, काजम के अलावा थोड़ा आजम खान साहब बताइए, थोड़ा आइडिया दीजिए कि ये पूरा प्रोग्राम आपको बताए तो सब तालिबानी फंड है। स्कूल की मास्टरी और पहलवानी छोड़कर मुलायम राजनीति में आए थे, वो भी लोहिया के आदर्शों को पूरा करने के लिए। वो संघर्ष जारी है। आधी रात को मुलायम की नियति जब 75वीं सालगिरह से मिलन करेगी, तब वो 75 फीट लंबा बर्थडे केक काटेंगे गौहर यूनिवर्सिटी के सेंट्रल हॉल। आमिर हक, रामपुर, आज तक।